नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, चुनाव कैसे जीता जाए। और यहां मैं किसी स्पेसिफिक एक चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, सभी चुनावों में जो कॉमन रणनीतियां हैं उन सारी रणनीतियों का आज आपको देना चाहता हूं। आप जिला पंचायत का चुनाव लड़िए, आप बीडीसी मेंबर का चुनाव लड़िए, आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़िए, आप एमएलए का चुनाव लड़िए, एमपी का चुनाव लड़िए, आप चेयरमैन का चुनाव लड़िए, आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़िए, जो भी चुनाव आपको लड़ना हो, सभी चुनावों में कुछ कॉमन रणनीतियां हैं। उन रणनीतियों पर मैं बात करने वाला हूं और 6-7 खास रणनीतियां देना चाहता हूं। सबसे पहली रणनीति तो है आचार्य चाणक्य की रणनीति, इसका उपयोग करना चुनाव जीतने के लिए। आप करें ना करें, हर व्यक्ति करता है, आपका विरोधी करेगा ही करेगा। कौन सी रणनीति? साम दाम दंड भेद। जी हाँ, साम मतलब समझाना, समझा करके लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी, अपनी बात रख के कोई सलाह दे करके किसी भी तरह से लोगों को जोड़ लिया जाए। अगर ना माने तो दाम दे करके जोड़ लिया जाए, जो मान जाएंगे वो सलाह से मान जाएंगे, पैम्फलेट बैनर्स पोस्टर्स वॉइस कॉल से फोन करके लोगों को भेजकर लोगों को जोड़ लिया, ना माने तो दाम। दाम मतलब पैसा दे करके। जी हाँ, पैसा दे करके वोटर्स को खरीदा जाता है, और एक सिंगल वोटर को तो खरीदा ही जाता है, पूरे ग्रुप ऑफ वोटर को भी खरीदा जाता है। कई बार किसी जाति के कोई मुखिया होते हैं, कई बार किसी पर्टिकुलर धर्म के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, उनको साथ ले लिया जाता है और उनके इन्फ्लुएंस के कारण वोट हमें मिल जाती है, बदले में उन्हें कुछ पैसा भी मिल जाता है, और वो पैसा आगे कई बार वोटर को ट्रांसफर हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता, कई बार डायरेक्ट पैसा लिया जाता है, वोटर्स को सीधा खरीदा जाता है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक ग्राम प्रधान ने बताया कि हमारे यहां पर सर 10 उम्मीदवार हैं, 10 में से 4 लोग पैसा बांट रहे हैं, 5,000 रुपए एक वोटर के लिए। तो जनता सिर्फ ये 4 लोगों को ही उम्मीदवार मान रही है जिन लोगों ने 5,000 रुपए दिया। अब चारों ने 5,000 दे दिया, अब जनता किसी एक को वोट कर देगी। हाँ, वहां पर फिर बाकी समीकरण भी काम आएंगे पैसे के अलावा। तो साम दाम दंड, किसी को सजा दे करके, किसी को सजा दिला करके, और सत्ता का दुरुपयोग तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, जब चुनाव होता है तो हर स्तर पर दुरुपयोग किया जाता है। नॉमिनेशन नहीं भरने दिया जाता, नॉमिनेशन भर दिया तो प्रचार नहीं करने दिया जाता, प्रचार कर लिया तो टेबल नहीं लगने दी जाती है, टेबल लगे तो बूथ पर लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, वोटिंग कई बार स्लो कर दी जाती है, कई बार वोटिंग को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि वोटर तितर बितर हो जाएं, फिर काउंटिंग में दिक्कत आती है, वोटिंग मशीन की पहरेदारी करनी पड़ती है, मतलब किसी ना किसी रूप में सजा दे करके, सजा दिलवा करके या दे करके, और भेद कोई राज जान करके, कोई ईडी की रेड मार दो, बिजनेसमैन है ना, ईडी की रेड मार दो, इनकम टैक्स का छापा मार दो, ये कर दो वो कर दो, कोई पुराना केस निकाल लाओ, किसी से आरोप लगवा दो, कोई भेद ऐसा कोई राज पता चल जाए, तो इस साम दाम दंड भेद तो किया ही जाता है। ये पहली रणनीति है चुनाव जीतने के लिए। और जैसे मैंने कहा, आप करें ना करें, आपका विरोधी तो करेगा ही, और जितना बड़े स्तर का चुनाव होता चला जाएगा, ये साम दाम दंड भेद बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि निचले स्तर पर ये सब हो रहा है, बड़े स्तर पर भी हो रहा है। अब कई लोग कहेंगे साहब बड़े स्तर पर पैसा चलता है, बिल्कुल चलता है, रूप बदल जाता है, हाँ तरीका बदल जाता है पैसा देने का और पैसा लेने का। क्या तरीका, वो भी कभी बताऊंगा आपको कि किस तरह से चुनाव में पैसा दिया जाता है, खासकर से बड़े स्तर पर पैसे का घालमेल कैसे होता है। दूसरी रणनीति जो हर व्यक्ति इस्तेमाल करेगा, चर्चा में रहना। जी हाँ, यदि आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो चुनाव के समय में आपको चर्चा में रहना पड़ेगा। जिससे भी आपका कंपटीशन है, आपका उससे कंपटीशन चर्चा में आप रहने चाहिए, और विरोधी जो आपको हराना चाहता होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा आप चर्चा में रहें, आप उसके आसपास पहुंचें, क्योंकि यदि उसकी चर्चा होने लग गई आपके साथ तो पूरी पूरी संभावना है ध्रुवीकरण होगा, दो में से एक को चुन लिया जाएगा, और जब तक वोटिंग ना हो जाए, खुल ना जाए, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि किसके पक्ष में लोग गए किसके पक्ष में लोग नहीं गए। और वैसे भी राजनीति में कहा जाता है, यदि किसी की राजनीति समाप्त करनी हो तो सबसे पहले उसकी चर्चा समाप्त करो। लेकिन मूर्ख लोग हैं कुछ लोग चर्चा ही करते रहते हैं, और चर्चा कर करके उस व्यक्ति का जितना बड़ा कद होता नहीं है उससे बड़ा बना देते हैं। जिसकी चर्चा ज्यादा की जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, उसमें कुछ बात होगी तभी तो चर्चा हो रही है, बात भी उन्हीं की जाती है जिनमें कोई बात होती है, तो आपके अंदर बात होगी तो आपकी चर्चा होगी,
और यदि आप ऑलरेडी जीते हुए उम्मीदवार हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपके समक्ष ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो मजबूत हो, उसकी चर्चा होने लगे। तो ऐसी जगह पर कोशिश ये की जाती है जीते हुए उम्मीदवारों के द्वारा कि चर्चा किसी हल्के व्यक्ति की हो, ताकि इस लड़ाई में वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, सामने वाले के वोट बढ़ जाए, दो तीन उम्मीदवार सामने दिखे और मेरे वोट संगठित रहे ताकि मैं चुनाव जीत जाऊं। तो चर्चा दूसरी रणनीति है। चुनाव जीतने में चर्चा का बड़ा महत्व है। इसमें सोशल मीडिया भी मदद करता है, इसमें मेनस्ट्रीम मीडिया मदद करता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मदद करता है, इसमें लोकल मीडिया मदद करता है, इसमें केबल टीवी नेटवर्क मदद करता है, इसमें यूट्यूबर्स जो अभी डेवलप हो गए हैं, बहुत सारे फेसबुक पेज पर बहुत सारे एंकर्स या इस तरह के लोग आ गए हैं जो न्यूज फ्लैश करते हैं, उन लोगों की मदद ली जा सकती है। इसमें पीआर एजेंसियां काम करती हैं। बड़े स्केल पर अगर हम बात करेंगे, खासकर से सांसद और विधायक स्तर पर या मुख्यमंत्री, पूरे स्टेट के लेवल पर और नेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी एजेंसीज को करोड़ों करोड़ अरबों अरबों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ये चर्चा को बनाए रखने के लिए। कई बार आप देखते हैं लहर तो किसी और व्यक्ति की चल रही है, चर्चा किसी और की हो रही है। हाँ, ऐसा होता है, बट चर्चा दूसरा माध्यम है जिससे चुनाव जीता जाता है, चुनाव जीतने में मदद करता है। तीसरी रणनीति है चर्चा, जो मैंने बताया। राजनीति में चर्चा, पर्चा और खर्चा, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। चर्चा का बहुत महत्व है, बता दिया। पर्चे का बहुत महत्व है, खर्चे का बहुत महत्व है। यानी कि यदि आपकी चर्चा चल रही होगी तो आपके जीतने की संभावना ज्यादा होगी। सेम ऐसे ही लहर की जरूरत होती है। लहर तीसरी चीज है। यदि आप चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का रिजल्ट लहर होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से लहर होनी चाहिए, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लहर होनी चाहिए, और लहर बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से काम करना पड़ता है। जी हाँ, और कोई भी लहर स्वाभाविक नहीं होती, यकीन मानिए मेरा। मैं इतने चुनाव देख चुका अपने जीवन में, लगभग 17 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, कोई भी लहर अपने आप नहीं बनती है, कोई भी लहर स्वाभाविक नहीं होती है। लोग कहते हैं इस नेता को जनता ने अपना नेता स्वीकार कर लिया, ये जन नेता बन गया, जनता चाहती है ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, जनता चाहती है ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। जनता नहीं, पहले कुछ पेड़ लोग चाहते हैं, उनसे ऐसा कहलवाया जाता है, उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, और जब वो पेड़ लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं तो जनता में उस चर्चा के कारण एक लहर तैयार होती है। और लहर दो तरह की होती है, एक पक्ष में भी लहर चलती है और एक विरोध में भी लहर चलाई जाती है। जी हाँ, जब किसी मजबूत उम्मीदवार को हराना हो तो अपने पक्ष में लहर चलाओ और विरोधी के विपक्ष में लहर चलाओ, उसकी कमियों को हाईलाइट करो और अपनी अच्छी बातों को हाईलाइट करो, जिससे कि आपका वोट शेयर बढ़ता चला जाए और उसका वोट शेयर गिरता चला जाए। लहर कैसे बनानी है? हर चुनाव में अलग अलग होती है, हर चुनाव में बनाई जाती है। और जैसे मैंने कह दिया, कोई भी लहर स्वाभाविक नहीं है। तो लहर पर जब भी आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपके स्तर के चुनाव में विधायक स्तर पर कैसे लहर बनानी है, बीडीसी मेंबर के स्तर पर कैसे लहर बनानी है, आपको जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है लहर कैसे बनेगी, चेयरमैन का चुनाव लड़ना है तो लहर का तरीका क्या होगा, आपको ग्राम स्तर पर लहर बनानी है तो क्या होगा, विधायक सांसद स्तर पर लहर का तरीका क्या होगा, और विरोधी की लहर को कैसे तोड़ना है अगर उसकी चल रही है। हाँ, सिर्फ अपनी लहर नहीं बनानी है, सामने वाले के विरोध में भी लहर बनानी है, अपने पक्ष में लहर बनानी है, और यदि सामने वाला जीता हुआ है और उसकी लहर चल रही है, उसको तोड़ना कैसे है। लेकिन ये लहर तीसरी रणनीति है। चुनाव जीतने के लिए इस रणनीति का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। और जब अक्सर कहा जाता है जिसकी लहर चल रही होती है उसके जीतने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उससे अंडर करंट पैदा होता है। ये चौथी रणनीति है, अंडर करंट पैदा करना। लहर भी अंडरकरंट करने में मदद करती है, चर्चा भी अंडरकरंट पैदा करने में मदद करती है, उम्मीदवार का अपना प्रोफाइल अंडरकरंट पैदा करने में मदद करता है, उम्मीदवार की अपनी पर्सनालिटी अंडरकरंट पैदा करती है, उम्मीदवार के अपने खास लोग, उम्मीदवार का अपना व्यक्तित्व, ये अंडरकरंट पैदा करता है। अंडरकरंट क्या होता है? अंडरकरंट होता है कनेक्टिविटी। जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, उस कनेक्टिविटी के कारण लोग आपके पक्ष में मतदान करते हैं, और ना सिर्फ खुद करते हैं बल्कि दूसरों से करवाते भी हैं। और चुनाव जीतने के लिए अंडर करंट का बहुत बड़ा उपयोग है। कई बार ये अंडर करंट मीडिया में नजर नहीं आता, कई बार ये अंडर करंट लोग पकड़ नहीं पाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है सर्वे फेल हो जाते हैं। ज्यादा समय सर्वे फेल हो रहे हैं पिछले कई समय से, क्योंकि सर्वे उस अंडर करंट को नहीं पकड़ पाते। अच्छा, ये अंडर करंट वाला वोटर जो होगा या सपोर्टर होगा, ये वोकल नहीं होता, ये अंडर करंट वाला झंडा बैनर पोस्टर आपका नहीं लगाएगा शायद, ये अंडर करंट वाला व्यक्ति शायद हो सकता है किसी मीडिया में, कहीं चर्चा में, कहीं कोई पोल, एग्जिट पोल हो रहा हो या ओपिनियन पोल हो रहा हो, उसमें राय नहीं देगा। लेकिन ये होता है,
अंडरकरंट कैसे पैदा किया जाता है, अंडरकरंट मैंने बताया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पैदा किया जाता है, चर्चा का भी उसमें बहुत बड़ा महत्व होता है, लहर का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, और एक और चीज है शैडो कैंपेनिंग, छुपा प्रचार, और ये यही पांचवी रणनीति भी है चुनाव जीतने की, छुपा प्रचार भी अंडरकरंट पैदा करने में मदद करता है। अब ये छुपा प्रचार क्या है थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि नाम से ही पता चला छुपा हुआ है तो इसको पब्लिकली तो नहीं रखा जा सकता कि कैसे होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें बताता हूं। इसमें प्रचार नहीं करना है, इसमें चर्चा नहीं करनी है, इसमें ये जो टीम बनेगी इसके लिए एक अलग टीम बनाई जाती है, ये ना तो उम्मीदवार के बारे में चर्चा करती है, ना ये पोस्टर बैनर्स लेकर के चलती है, ना ही ये कोई किसी तरह के माध्यम का इस्तेमाल करती है, ये डायरेक्ट पब्लिक के साथ वन टू वन या मैन टू मैन मार्किंग के हिसाब से काम करती है। मैन टू मैन मार्किंग अंडरकरंट के लिए भी चाहिए और मैन टू मैन मार्किंग आपकी छुपा प्रचार करने के लिए भी चाहिए। इस छुपे प्रचार में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती हैं जो कई बार सही और कई बार गलत भी होती हैं, लेकिन इसमें पर्सनल इन्फ्लुएंसिंग ज्यादा होती है। इसमें लोगों को बताया जाता है इस व्यक्ति को चुनाव जीतने से आपका हित क्या हो सकता है, देश का हित क्या हो सकता है, राज्य का हित क्या हो सकता है, क्या क्या अहित हो सकता है, और ये जो शैडो कैंपेन या छुपा प्रचार किया जाता है इसके लिए खास टीम पैरेलल अलग होती है। और अक्सर हम देखते हैं कि जिसकी शैडो कैंपेनिंग टीम स्ट्रांग हो जाती है उसके बाकी सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि उसका अंडरकरंट अपने आप ही पैदा हो रहा होता है, उसके पक्ष में एक छुपी लहर भी चल रही होती है और खुली लहर तो चल ही रही होती है। अच्छा, खुला प्रचार अलग करते रहना है, छुपा प्रचार अलग करना है, और छुपे प्रचार के लिए ही ये शैडो कैंपेनिंग काम आती है। इसमें प्रचार के माध्यम भी अलग अलग होते हैं जो हिडन होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं, पब्लिक डोमेन में शायद नहीं दिखेंगे वो, उस पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह शायद नहीं होगा, उसमें उम्मीदवार की पार्टी का नाम नहीं होगा, लेकिन वो शैडो कैंपेनिंग बहुत असरदार काम कर रही होती है अगर स्ट्रॉन्ग टीम आपने शैडो कैंपेनिंग की बना ली। और कितने दिन पहले बना ली, कम से कम वोटिंग से एक महीना पहले शैडो कैंपेन टीम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सक्रिय हो जानी चाहिए। इसके लिए कई संगठन है जिनका उपयोग किया जाता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके पैरेलल संगठन चलते हैं जो शैडो कैंपेनिंग बनाने में महारथी होते हैं, वो इलेक्शन को मैनेज भी कर रहे होते हैं लेकिन शैडो कैंपेन भी बना रहे होते हैं। एक और चीज चुनाव जीतने के लिए जरूरी है और इसके बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता, चाहे आप कितनी ही लहर बना लीजिए, कितना ही आप शैडो कैंपेनिंग कर लीजिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपका बूथ का टीम स्ट्रांग नहीं है, बूथ का कार्यकर्ता स्ट्रांग नहीं है, आपका बूथ लेवल मैनेजमेंट मजबूत नहीं है, वोट डलवाएगा कौन? वोट डालना और वोट डलवाना, घर से बूथ तक व्यक्ति को लेकर के आना, पोलिंग बूथ की लाइन में लगवाना और पोलिंग बूथ के बाद वो हमें ही वोट डाल रहा है, इसका एक छोटा मोटा प्रमाण हमें मिल जाना जिससे कि हमें पता चल सके कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हमारे पक्ष में कितने वोट हैं और कितने लोग हमारे विपक्ष में हैं। इसके लिए हमें बूथ लेवल मैनेजमेंट सीखना पड़ता है, बूथ लेवल मैनेजमेंट को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, और ये भी चुनाव से वोटिंग से कम एक महीना पहले बूथ की कमेटियां बन जानी चाहिए। बूथ कमेटी पार्टी भी बनाती है, संगठन बनाता है, उम्मीदवार भी पैरेलल बनाता है, और फिर हर बूथ पर हमें कम से कम एक एक व्यक्ति एनएसजी कमांडो की तरह रखना होता है जिसकी जिम्मेदारी उस बूथ को संभालने की होती है, जिसको बूथ मैनेजर कहा जाता है। ज्यादातर जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़े कैंडिडेट हैं, वो बूथ मैनेजर अपॉइंट कर पाते हैं, उनको ट्रेन कर पाते हैं, सिखा पाते हैं, उन बूथ मैनेजर्स की ट्रेनिंग होती है पूरी, उनको बताया जाता है कैसे अपने पक्ष में वोट डलवाना है, कौन कौन से वोटर निकले नहीं निकले उसके पास पूरी जानकारी होती है, वोटर्स को कैसे बूथ तक लेकर के जाना है, उनको कोई असुविधा ना हो, अगर बूथ दूर है तो उसको किस तरह की सुविधाएं देनी है, किस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों से बात करनी है चुनाव वाले दिन ताकि हमारे पक्ष में मतदान पड़ सके। ये रणनीति भी बहुत खास रणनीति है जो चुनाव जीतने में मदद करती है। एक और है मशीनरी। जी हाँ, ज्यादातर सत्ता पक्ष के लोग मशीनरी का उपयोग या यूं कहें कि दुरुपयोग करते हैं अपने पक्ष में, और किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सभी करते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि वोटिंग मशीन हैक कर ली जाती है, वैसे मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मानता हूं इतने बड़े इस चुनाव में लार्ज स्केल पर वोटिंग मशीन को हैक कर पाना, मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि असंभव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है आज की डेट में। आज की डेट में एक क्लिक पर अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, चीजें देख सकते हैं, तो यह भी संभव नहीं है कि बिल्कुल वो टेंपर प्रूफ हो जाए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि वो नहीं है टेंपर, लेकिन दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ टेंपरिंग की गई है। और ऐसा नहीं है कि मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होता है या मशीनरी सिर्फ ईवीएम है, ईवीएम तो एक पार्ट है मशीनरी का, सरकारी अफसर भी तो मशीनरी है, वो लोग जो ऑफिसर्स वोट डलवा रहे हैं वो भी तो मशीनरी है, वो लोग जिनकी ड्यूटी लगी होगी काउंटिंग पर वो भी तो मशीनरी है, वो ऑफिसर्स भी कुछ ना कुछ अलग अलग लेवल पर मैनिपुलेशन करते हैं, और ज्यादातर जैसे हमने बताया सत्ता पक्ष के पक्ष में ही करते हैं,
कई बार बहुत रेयर केस हो जाए कि सत्ता ही उनकी पसंद की ना हो और विपक्ष ज्यादा मजबूत हो जाए, विपक्ष में उनकी आस्था ज्यादा हो, विपक्ष की आइडियोलॉजी उन्हें ज्यादा पसंद हो, तो मशीनरी उनकी फिर में भी काम करती है। बट मशीनरी के भी बहुत सारे पहलू हैं, वो सारे पहलू हर चुनाव में अलग अलग होते हैं। यदि आप निचले स्तर का चुनाव लड़ेंगे तो मशीनरी अलग तरह से मैनिपुलेशन करती है, बड़े स्तर का चुनाव होगा तो मशीनरी को पहले कैसे मैनिपुलेट करना है ट्रेन किया जाता है, उन्हें अपने पक्ष में कैसे लाना है या उनको विरोधी के हमारे अपोजिशन वाले के विरोध में कैसे खड़ा करना है, उसका यूज कैसे किया जा सकता है। अगर आपकी सरकार सत्ता नहीं है और आप राज्य स्तर का चुनाव लड़ रहे हैं या नेशनल लेवल का चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो भी इस मशीनरी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जा सकता है। सत्ता होगी तो ज्यादा आसानी से किया जा सकता है, लेकिन सत्ता नहीं है तो नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। उस मशीनरी में भी इंसान ही है और इंसानों के बहुत सारी भावनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, फेवर में ला सकते हैं, किसी के खिलाफ कर सकते हैं, यदि उस इंसान के जमीर को जगा दिया जाए या कोई ऐसी चीज इंसान को दे दी जाए जिससे उसका जमीर हमारे हिसाब से काम करने लग जाए। मैं समझता हूं आप सब समझदार हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक और चीज, वैसे तो बहुत सारी चीजें चाहिए चुनाव जीतने के लिए, लेकिन एक और चीज जिसके बिना काम नहीं चलता, जी हां, एक ऐसा मैसेंजर, एक ऐसा व्यक्ति जो उस चुनाव को लीड कर रहा हो, यानी हमारा नायक, हमारा नेता, हमारा लीडर, हमारा कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट में ही दम नहीं है तो फिर बाकी सारी चीजें ज्यादा असरदार नहीं होती हैं। और तो कई बार जब पार्टी की लहर चलती है, किसी उम्मीदवार की लहर चलती है, तो उसमें बहुत सारे लोग तर जाते हैं, बहुत सारे लोग जीत जाते हैं, लेकिन वो जिसके नाम पर लहर चल रही हो उसे तो मजबूत होना पड़ेगा। जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता मानता हो, जिसका इन्फ्लुएंस राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो कम से कम उसका छवि भी तो राष्ट्रीय स्तर वाली होनी चाहिए। अगर कोई प्रदेश स्तर का नेता बनना चाहता है तो उसकी छवि प्रदेश स्तर की तो होनी चाहिए। कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहता है और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भले ही लड़ रहा हो, लेकिन उसकी छवि तो अध्यक्ष वाली होनी चाहिए, ताकि कल को जब सदस्य चुन करके आए तो उसको अध्यक्ष क्यों बनाया जाए। जब कोई ब्लॉक प्रमुख बनना चाहता है, भले वो बीडीसी का चुनाव लड़ रहा है अभी, बीडीसी मेंबर का, लेकिन उसकी छवि तो ऐसी होनी चाहिए, और बीडीसी मेंबर बनने लायक भी तो छवि होनी चाहिए उसकी, वरना बाकियों से, सिर्फ पैसा ज्यादा हो जाने से, सिर्फ रणनीतियां अच्छी हो जाने से खाली चुनाव जीत लेंगे, ऐसा नहीं है। हर चीज का अपना अपना रोल है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी रणनीति बहुत पावरफुल होती है और लीडर थोड़ा हल्का होता है तो चल जाता है, बैलेंस हो जाता है। कई बार मेरे पास ऐसे लीडर आ जाते हैं जो लीडर ही नहीं है, जिनके पास लीडरशिप स्किल नाम की कोई चीज नहीं है, जिनका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, जिनकी नॉलेज ठीक नहीं है, जिनका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, जो खुद प्रेजेंटेबल नहीं है। अब वो चाहते हैं कि हम उन्हें राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर का नेता बना दें, या उनको एकदम से रातों रात तैयार कर दें। नहीं, रातों रात नहीं होगा, बट ऐसा भी नहीं कह रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। हाँ, घबराना मत, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, होता रहेगा, होता रहा है। समय करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, यानी आहिस्ता 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 एक कमजोर रस्सी, कोमल रस्सी भी पत्थर पर अगर निशान डाल सकती है तो आप भी एक ऐसी छवि बना सकते हैं कि आप चुनाव जीत पाए। लेकिन आप में अपने अंदर क्या बदलना है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या बदलाव चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कैसे दिखने वाले होने चाहिए। और मैं आपको भविष्य बता रहा हूं, अभी तक तो जो चल गया चल गया, अभी तक आपका लुक अच्छा नहीं था, पैसे के दम पर जीत गए, अभी तक आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी, चल गया, अभी तक आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं था, आप मंच पर बोलना नहीं भी जानते थे, जीत गए। अब ऐसा नहीं होने वाला है, बहुत स्पीड से भारत की राजनीति में बदलाव हो रहा है और चुनाव वही जीतेगा जो सबसे बेहतर भी होगा। और बेहतर मतलब हर चीज में बेहतर, कम्युनिकेशन में बेहतर, पर्सनैलिटी में बेहतर, नॉलेज में बेहतर, बात करने के ढंग में बेहतर, मंच के संचालन में बेहतर, पैसे में बेहतर, रणनीतियों में बेहतर, टीम में बेहतर, बूथ पर बेहतर, प्रचार करने में बेहतर, हर चीज में बेहतर होना पड़ेगा। होते ना 7-8 सब्जेक्ट होते हैं कॉलेज में, सब में पास होना है भाई, एक सब्जेक्ट में थोड़े कम और ज्यादा तो चल जाएगा, लेकिन फेल नहीं हो सकते किसी भी पैरामीटर पर। अब वो जमाना नहीं है। इसके अलावा भी चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती हैं, बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रचार प्रसार के माध्यम, जैसे मैंने बताया 75 वेज ऑफ प्रमोशंस हैं, 75 से ज्यादा तरीके हैं, और निचले स्तर के चुनाव में भी 30 से ज्यादा तरीके इस्तेमाल होते हैं, और विधायक और सांसद में तो सभी के सभी 75 तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज वो जानना, वो समझना, उनको कब कौन सा करना है, हर जगह सारे तरीके नहीं चलेंगे, लेकिन हर जगह कोई ना कोई तरीका तो चलेगा जो सबसे असरदार होगा। अच्छा, असरदार कौन सा होने वाला है, उसके ट्रायल के लिए भी 4-5-10 तरीके अपनाने पड़ेंगे भाई। चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। मैंने किताब लिखी ना, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, उसमें मैंने बताया
डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, पायलट बनिए, राजनेता मत बनिए। मुश्किल काम है सारी, हर कोई नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की आपको बताने की चुनाव कैसे जीता जाता है, चुनाव जीतने के लिए क्या करना होता है। आगे भी रेगुलरली आपको गाइड करता रहूंगा। कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। और जब भी आप चुनाव लड़ने जाएं और आपका मन चुनाव जीतने का हो तो जरूर बात करिएगा। रणनीति बनाने में मदद करूंगा, गाइड करने में मदद करूंगा और बताऊंगा क्या क्या करना है आपके स्पेसिफिकली उस चुनाव से रिलेटेड। फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों से वीडियो शेयर करिएगा। आप ऑलरेडी शेयर कर ही रहे हैं। ट्रेनिंग लेना चाहे तो YouTube के माध्यम से देखेगा, ज्वाइन सब्सक्राइब साथ ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, YouTube से ट्रेनिंग ले सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही, आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।